नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमचेरिया पे। हम इंदिरा बनाम सिंडिकेट पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी जो कि बहुत सशक्त महिला आयरन लेडी, विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने कांग्रेस की उस बागडोर को संभाला और कांग्रेस के साथ ही साथ कांग्रेस से बाहर अपने विश्वसनीय सूत्रों को एक्टिव किया और अपनी एक अमिट पहचान बनाई और सिंडिकेट से अलग अपना एक महत्वपूर्ण छवि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित की। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने महत्वपूर्ण YT प्लेटफॉर्म कॉमेंटेरिया। हम इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण और पॉलिटिकल रिव्यू के उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा पर चर्चा का जो दौर स्टार्ट करते हैं। हर एस्पिरेंट को, हर विद्यार्थी को और हर एक बच्चों को जो कि पढ़ने के लिए लुभ है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जब तक चला पाएंगे चलाएंगे। अभी विगत में 3 साल से ज़्यादा चला ही पाया हूँ और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी आई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारा मुद्दा जो चल रहा है इंदिरा बनाम सिंडिकेट, इसमें कहा गया कि 1967 के जो चौथे आम चुनाव हुए, जो 1967 के चौथे आम चुनाव लोकसभा के हुए, उसके मध्य में एक बात आई कि कांग्रेस के साथ क्या कारगुजारी हुई और इंदिरा गांधी के साथ किस तरह का व्यवहार अलायंस ने किया और कार्य समितियों का क्या निर्णय हुआ, इस पर गहन चर्चा हम कर रहे हैं। और की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्र वहां पर डिस्कस किए गए थे, कार्यक्रम अपनाया कांग्रेस ने 1967 की मई में। कांग्रेस कार्य समिति ने 1967 क्या कहा गया 1967 की मई में, मई महीने में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, जिसमें का मतलब इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक, देखिए बहुत ही आर्थिक टूट चुका था देश, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, जो आप आम बीमा कराते हैं LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, बॉन्ड्स लेते हैं, अपनी भविष्य निधि के लिए पैसा जमा करते हैं, तो उस बीमाओं का, आम आदमी के बीमाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। शहरी संपदा, शहर की जितनी भी संपदाएं हैं, और आय का परिसीमन किया गया, क्या कमाते हैं भारत के शहरी क्षेत्र के लोग, और खाद्यान्न का देखिए क्या क्या निर्णय हुआ, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। UPSC में क्वेश्चंस यहीं से लाइन बाय लाइन क्रैक करके बनाए जाएंगे, जो आप सोचेंगे आएगा वो नहीं आएगा, जो आप सोचेंगे नहीं आएगा वही आएगा, ऐसा भी कभी कभी होता है UPSC के एग्जाम्स में। जब 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने अपने प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, जिसमें बैंक पर सामाजिक नियंत्रण, आम आदमी के बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा का मतलब जैसे होगा शहर की जो संपत्तियां हैं, सरकार की, निगम की संपत्तियां, शहरी निकायों की संपत्तियां, उसको शहरी संपदा कहते हैं, जैसे पार्क है, रेवेन्यूज के तमाम रिसोर्सेज हैं, तो इन सबको कहते हैं शहरी संपदा। और आय के परिसीमन और खाद्यान्न का सरकारी वितरण, लेकिन क्या क्या डिसीजन किए गए, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन किए गए थे, जबकि एक 10 सूत्री व्यवस्था लागू की गई। और भूमि सुधार किया गया, और क्या किया गया समझिए बात को आप विद्यार्थियों, बहुत ही सजगता से इस लेक्चर को आप देखिएगा, बहुत ही सजगता से, क्योंकि ये इंदिरा बनाम सिंडिकेट था। सिंडिकेट ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, इसकी पूरी जो हिस्ट्री आपको मिलेगी, कहीं से भी प्रश्न आपके समक्ष फ्रेम हो जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन हैव ऑलवेज ऑन द सेम वे, एक दूसरे की नकल करते हुए
यूपीएससी की नकल करता हुआ पीछे पीछे यूपीपी से भाग रहा है। देखिए ये रहा यूपीएससी और इनकी फोटोकॉपी है यूपी की पीएससी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न देकर चकित कर रहे हैं। आरओ के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में ऐसा प्रश्न देंगे कि पूरी इसकी फोटोकॉपी उतर जाएगी, लगेगा जैसे कि हम यूपीएससी के पेपर में बैठ रहे हैं। जितना कठिन करना है तो यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं यूपीपीसीएस वाले। तो क्या क्या इनका था मुद्दा, कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण और भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान शामिल किया गया था। देने का प्रोविजन, प्रावधान का मतलब प्रोविजन क्या था, ये सारे प्रोविजन शामिल थे। क्या क्या 1967 कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री 10 बिंदुओं पर कार्यक्रम अपनाया, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण और भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान, ये सारी चीजें इस 10 सूत्री मांग में शामिल की गई। जबकि सिंडिकेट के नेताओं सिंडिकेट के नेता वही थे जो पहली बार इंदिरा गांधी को समर्थन देकर गद्दी पर बैठाए और सोचे कि उनके ही इशारे पर इंदिरा काम करेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। वो अपने पार्टी से बाहर के विश्वसनीय सूत्रों को एस्टेब्लिश किया। दे कैन एस्टेब्लिश द मोर रिलेवेंट एंड मोर प्रोमिसरी पर्सन फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल रिव्यू। तो इंदिरा बहुत ही इंटेलिजेंट स्मार्ट लेडी थी, जो कि पॉलिटिकल आयरन, दैट इज आल्सो नोन एज आयरन लेडी ऑफ इंडिया। नाउ जबकि सिंडिकेट बैंक के नेताओं ने औपचारिक तौर पर फॉर्मल, औपचारिक का मतलब फॉर्मल, औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के क्या किया, इन्होंने वामपंथी में चले गए खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी उन्होंने, परमिशन दे दी। लेकिन इसको लेकर, देखिए विरोध तो होता ही होता है, लेकिन इसको लेकर उनके मन में स्वीकृति दिए, लेकिन इनको लगा कि हमसे आगे निकल रही है इंदिरा गांधी, मन में गहरे संदेह थे, कंफ्यूजन था, भ्रम था। एक 1967 की मई मंथ में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय का परिसीमन, खाद्यान्न सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान, ये सब कुछ शामिल था। लेकिन सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसको लेकर उनके मन में गहरा संदेह था। इसके बाद आया राष्ट्रपति का चुनाव। ध्यान दीजिएगा, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से, स्मार्टनेस से इसको समझिए। राष्ट्रपति पद का चुनाव, प्रधानमंत्री तो चुन लिया गया, लेकिन अब 1969 में 2 वर्ष के बाद तुरंत क्या आया, हमारे देश के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं, राष्ट्रपति, तो उनका चुनाव आ गया कि राष्ट्रपति पद का चुनाव आ गया 1967 में चौथी लोकसभा चुनाव। उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव आया। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी
एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जगह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, नो वन नोज। हाउ कैन यूपीएससी फ्रेम द क्वेश्चन इफ यू जज दैट द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूजलेस फॉर यूपीएससी। दैट इफ यू सपोज दैट दिस चैप्टर इज वेरी रफ आर नॉट इन योर यूज, दैट द यूपीएससी कंसंट्रेटेड। जैकपॉट है यूपीएससी का पेपर, पूरी पढ़ाई करिए, पूरी गहनता से पढ़ाई करिए, डूब जाइए। इसको हिंदी में कहते हैं ओत प्रोत और लिप्त हो जाना, शिक्षा में लिप्त हो जाइए। बाहर की दुनिया, बाहर की चमक धमक, फालतू का समय बर्बाद करना बंद कीजिए। अपने गोल के प्रति स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। And now you can say study selection. Now syndicate और इंदिरा गांधी के बीच ही गुटबाजी, '69 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या हो गया? क्या हो गया यहां पे? सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच ही गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में के समय खुलकर सामने आ गई। वो गुट बनाकर थे अलग, तत्कालीन राष्ट्रपति। बताइए उस समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली। शिक्षा का समुचित सम्मान जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बात को गांठ बांध लीजिए, जब भी शिक्षा पद पर हूं नित्य नियम से रहे सदा। और एक ही श्लोक यहां पर काम आएगा, काग चेष्टा वको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, अल्प आहार गृह का त्याग। बाहर जाकर तैयारी कीजिए, अगर सशक्त है तो बाहर जाकर तैयारी कीजिए, निशक्त है नहीं है पैसा तो घर से ही तैयारी कीजिए, पुस्तक है तब भी ठीक, पुस्तक नहीं है तब भी ठीक। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसके लिए है? कोई वैल्यू नहीं इसके अगर विद्यार्थी ना देखे। अगर इस प्लेटफॉर्म को विद्यार्थी ना देखे, कंप्यूटर ना देखे, एस्पिरेंट ना देखे, देयर आर नो वन नोज हु एम आई, देयर आर नो वन नोज हु इज द बिगेस्ट कोचिंग इन इंडिया or the institute in India, the beam, the pillar, the root of the educational institute will be a aspirant, will be a student, will be a competitor, or they are the root of the coaching institutes and mentors and educating mentors and educator and the director of the highest coaching branches. Everything depends on the competitor or the aspirants. एक सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इनहेंसमेंट की तरह से इनहेंस करिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा ग्रामर की किताबों को पढ़िए, अंग्रेजी ग्रामर पढ़िए, हिंदी ग्रामर पढ़िए, अपनी वाक शैली को बढ़ाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि नो वन कैन स्टैंड फ्रंट ऑफ यू ऑन द ईयर ऑफ द एजुकेशन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति के पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। खुल गया ये विरोध खुलकर सामने आ गया जनता के सामने। और तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के कारण
इंदिरा गांधी की असहमति के कारण के बावजूद असहमति के इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने उसी साल सिंडिकेट का मैंने कल समझाया था वही सिंडिकेट की बात उसी साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष कौन था गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए थोड़ी देर का समय दे रहा हूं। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सबके सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उसके बाद भी उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग उस समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष कौन थे एन संजीव रेड्डी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से को देखिए क्या फरमाइश मिल गई इनको कितना बड़ा पद मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति पद के देखिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सिंडिकेट को सफलता पाई। सिंडिकेट ने सफलता पाई तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी एक हस्ती थी आज भी इनका नाम जाना जाता है एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से इंदिरा गांधी की एन संजीव रेड्डी से बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। क्या किया गया यहां पर राजनीतिक अनबन चल रही थी। क्या कहा जा रहा है समझिए बात को। इंदिरा बनाम सिंडिकेट In 1967, in the month of May, कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण आम बीमा के राष्ट्रीयकरण शहरी संपदा आय के परिसीमन खाद्यान्न का सरकारी वितरण भूमि सुधार ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान शामिल था। जबकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी लेकिन इसको लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। उसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 आ गया। 1967 में फोर्थ कॉमन लोकसभा के इलेक्शन आ गए उसके बाद 1969 में ही राष्ट्रपति पद का चुनाव आ गया। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी
को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। किसने? सिंडिकेट ने। ये अपनी मनमानी सिंडिकेट ने कर ली। सिंडिकेट ने ही अपना महत्वपूर्ण मत देकर समर्थन देकर इंदिरा गांधी को इसलिए कुर्सी पर बैठाया कि इंदिरा गांधी उनके हिसाब से काम करेंगी, न कि अपनी बुद्धि और विवेक से। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में एन संजीव रेड्डी को सफलता पाई। और एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ये इंदिरा को उनके पद से हटाने का एक कुटिल और राजनीतिक दांवपेच था। एन संजीव रेड्डी की इंदिरा गांधी से बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। आप लोग मेरी रिवीजन बुक निकालिए, मैं थोरो रिवीजन लिख देता हूं, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे। वी हैव डिस्कस इंदिरा बनाम सिंडिकेट। Now we have discussed इंदिरा बनाम सिंडिकेट, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। 1967 इन द मंथ ऑफ मई कांग्रेस का कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, उसके बाद खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान शामिल किया गया था। लेकिन सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति तो दे दी, लेकिन इस बात को लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। उसके बाद 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव आ गया। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर एकदम सामने आ गई। और तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। और इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद भी उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। तो यंग संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी, इसीलिए सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष जो उस समय के तत्कालीन थे उनको राष्ट्रपति पद के चुनाव 1969 में लाया, ताकि इंदिरा गांधी से अपनी ये जो राजनीतिक खटास है इसका बदला राजनीतिक कुटिलता से ले सके। इसलिए क्या राजनीति में क्या होता है, पॉलिटिक्स में डायरेक्ट आपको नहीं बोलते हैं, कुछ काम ऐसे करते हैं जो आपको बुरा लग रहा हो उस काम को कर जाते हैं। तो यही होती राजनीतिक बुराई। इसलिए इन्होंने सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी के जो चल रही थी बहुत दिनों से अनबन राजनीतिक एन संजीव रेड्डी के साथ, तो एन संजीव रेड्डी को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इसी पार्टी से बना दिया जहां से इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये काम सिंडिकेट ने किया। सिंडिकेट ने जब 1967 का चुनाव था, विपरीत परिस्थितियों में देश था और गंभीर रक्षा संकट, गंभीर आर्थिक संकट से देश गुजर रहा था, देश में भूखमरी थी, लोग सड़कों पर उतर गए थे, उसके दौर में भी जब कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को चुना कांग्रेस का नेता, तो उन्होंने सोचा कि हम इंदिरा को कम अनुभव है, एक साल से भी कम का राजनीतिक अनुभव है, तो हम इंदिरा गांधी के ऊपर शासन कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल शासन करेगी कौन? सिंडिकेट। लेकिन चेहरा किसका होगा? इंदिरा गांधी का। तो ऐसा ही उन्होंने सोचा।
लेकिन इंदिरा गांधी ने बड़ी चतुराई से अपने पार्टी के बाहर से ही विश्व सूत्रों को एक्टिवेट किया और अपना एक राजनीतिक जो अपना सिंडिकेट था वो अपना खुद का एक सिंडिकेट, अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म राजनीतिक पॉलिटिकल एक एस्टेब्लिश कर लिया और अपने विश्वसनीय लोगों को अपने साथ कर लिया ताकि विपरीत परिस्थितियों में सिंडिकेट के धोखा देने के बाद भी उनके साथ उनकी पार्टी और बाहर की पार्टी के भी कई सहयोगी दल उनको सर्वसम्मति से नेता चुनने के लिए कभी भी किसी जगह और किसी कदम पे खड़े रहे। इस प्रकार से काउंटेरिया हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है। और एक जरूरी अपडेट मैं आपको बता दूं, एमपीपीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन मुझे मिल गया है। एमपीपीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन मुझे मिल गया है। इसमें लगभग 60 पोस्ट की अभी एडवर्टाइजमेंट आई है, 60 पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आई है जिसमें मेरे लिए भी 22 पोस्ट है डीएसपी के लिए। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 22 पोस्ट है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, उसके अलावा आपकी पीसीएस की पोस्टें हैं और पीपीएस के लिए जो डीएसपी की सीट है यह है 22 पोस्ट। और इसमें एसीएफ की भी सीट आई है, एसीएफ की 14 सीट आई है, 14 सीट असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारे पास जो वैकेंसी आती है एमपी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 28th of April 2024। 28th of April 2024 को एमपीएसएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस एंड एज वेल एज एमपीएसएफएस कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस होगा। इसके बाद देखिए मेंस एग्जामिनेशन अलग अलग डेट्स पे कराए जाएंगे। आप जब अपना ओएमआर भरेंगे प्री का तो उसमें पहला गोला बना होगा फॉर स्टेट सर्विसेज, दूसरा गोला बना होगा फॉर फॉरेस्ट सर्विसेज और तो बोथ गोले को आप सर्कल कर देंगे। तो इससे पता लग जाएगा एमबीपीसीएस को कि आप एसएससी के लिए भी अप्लाई किए हैं और एसएफएस के लिए भी अप्लाई किए हैं। मैंने खुद इस बार लाइव इंटरेक्शन किया, मैं खुद शामिल हुआ 2023 एमबीपीसीएस प्री में। मैंने देखा कि किस प्रकार से ओएमआर भरते हैं, किस प्रकार से आपका पेपर आता है, किस प्रकार से वहां पर इंटरेक्ट करते हैं, एस्पिरेंट्स जूझते हैं पेपर्स के साथ, मैंने देखा इस बार। तो ये स्थिति थी कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट में 1967 मई के मंथ में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया था जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, सारी संपदा और आय के परिसीमन और उसके साथ ही साथ खदानों का सरकारी वितरण, भूमि सुधार और ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने का प्रावधान इसमें शामिल किया गया था। और जबकि सिंडिकेट ने के नेताओं ने औपचारिक तौर पर फॉर्मल वे में ये वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन इस चीज को लेकर उनके मन में बहुत ही गहरा संदेह था, वो नाखुश थे। उसके बाद तुरंत से ही राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 आया, इसमें सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई और तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था और इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद भी उसी साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पा गई और एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी, इसीलिए सिंडिकेट ने ऐसा किया। बहुत ही अच्छा और रोमांचक लेक्चर आज हम लोगों ने परफॉर्म किया। इसके आगे का लेक्चर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अभी हम आपको जॉब अलर्ट के बारे में बताते हैं। आई होप यू ऑल क्लियर दिस टॉपिक इंदिरा बनाम सिंडिकेट एंड आई एक्सप्लेन्ड मेनी टाइम्स दिस लेक्चर। आई होप यू ऑल समराइज एंड एब्जॉर्ब दिस लेक्चर। मुझे पूरा विश्वास है अगर इस टॉपिक में से कहीं से भी यूपीएससी का कोई क्वेश्चन बनता है यू ऑल विन दिस टॉपिक। आई एम जॉब अलर्ट देखते हैं आज के स्थानीय समाचार पत्रों में।
कॉमटेरिया नाउडेज स्टार्ट्स अ न्यू वैकेंसी पैनल पोर्टल टोटली फ्री फॉर एस्पिरेंट्स दैट हैड नेमली जॉब अलर्ट. Job alert for aspirants. The today's job will be UP Police में नौकरी के मौके. UP Police jobs. We have programmer and computer operator in Uttar Pradesh Police. देखिए Uttar Pradesh Police की website है, note करिए http://uppbpb.gov.in. Now we have 930 vacancies for the required post of programmer and computer operator in UP Police. Now Bharti Dankhana Vibhag. Bharti Dank Vibhag have some 78 vacant post for the post recruitment of driver. The form deadline will be 9th of Jan 2024 and the UP Police programmer and computer operator form deadline will be 28th of Jan 2024. भारती मानक ब्यूरो वी हैव सम वैकेंट पोस्ट फॉर भारती मानक ब्यूरो नियर अबाउट 107 वैकेंसीज पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट पोस्ट द फॉर्म डेडलाइन विल बी 19th ऑफ जैन 2024. नाउ वी हैव अनदर जॉब आईबी व्हिच इज abbreviated as Intelligence Bureau. We have 226 post for the recruitment of the ACIO, Assistant Central Intelligence Officer / Tech. ACIO Tech and ACIO non-tech vacancies both are advertised on the website Intelligence Bureau. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट पे आपको ये जॉब मिलेगी. होम अफेयर्स के अंडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है. फॉर्म डेडलाइन विल बी 12th ऑफ जैन 2024. नाउ यूपीपीएससी हैव सम वैकेंसी सीट्स फॉर 45 पोस्ट ऑफ प्रशिक्षक के पोस्ट है 45 पोस्ट. Now form deadline will be UPSC 22 of Jan 2024. Now we have some jobs in National Council of Education Research and Training NCERT. You have a well-renowned institute. 16 post vacancies for Mukhya Lekha Adhikari or Varishth Lekha Adhikari. वरिष्ठ लेखा अधिकारी एक्सेट्रा पोस्ट है हमारे पास और भी. फॉर्म डेडलाइन विल बी 12th ऑफ जैन 2024.